अपने आप को कभी लड़की समझती ही नहीं। जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ, मेरे बाबा ने मुझे बचपन से कहा है कि मेरा बेटा है ये, लड़कियों को रखूंगी, लड़कों को नहीं रखूंगी अपने साथ। तो 4 महीने से मेरे पास जॉब नहीं थी, मतलब कि घर पर थी मैं और बाबा की भी जॉब नहीं थी, फिर घर रेंट का, भाई भी नहीं था मेरा कोई, तो इसी वजह से मुझे मतलब कि फिर घर पर बहुत ज़्यादा परेशान है, मसले मसाइल आने लगे। मतूफ़ा है और मुझे ये लगाते हुए मतलब कि रमज़ान में लगाया था मैंने, फर्स्ट या सेकंड से मतलब कि रमज़ान से लगाया था, मतलब कि 1 महीना होने वाला है मुझे। और मैंने इसलिए लगाया था ये क्योंकि मैं एक्सटर्न गारमेंट्स PVT LTD में जॉब करती थी, वो कंपनी बंद हो गई थी, बाबा और मैं साथ ही जॉब करते थे। तो 4 महीने से मेरे पास जॉब नहीं थी, मतलब कि घर पर थी मैं और बाबा की भी जॉब नहीं थी, फिर घर रेंट का, भाई भी नहीं था मेरा कोई, तो इसी वजह से मुझे मतलब कि फिर घर पर बहुत ज़्यादा परेशान है, मसले मसाइल आने लगे। मोबाइल किस्त वगैरह पे, किस्तों पे सामान भी लिया हुआ था हम लोगों ने, फिर रोज़ रोज़ लोग आते थे, गेट खटखटाते थे। फिर हमारे घर का मतलब कि लॉकडाउन का भी किराया चढ़ा हुआ था घर का ना, 55,000 रुपये किराया चढ़ा हुआ था हमारे घर का। और जो है ना, फिर बहुत ज़्यादा ही परेशानी, बहुत ज़्यादा ही मसले मसाइल हो गए थे। तो इसी वजह से मुझे मतलब कि जब मेरी पॉकेट मनी थी थोड़ी सी मैंने जमा की थी, और वे 20,000 की BC थी। तो जो है ना, फिर मैंने बोला क्या करूँ। फिर वो जो 20,000 की BC थी ना, मैंने अपना ये छोटा सा सेटअप बनाया, और पॉकेट मनी से ये पूरा सेटअप मैंने खुद ही किया अपने पैसों से। मुझे पढ़ने का तो शौक बहुत ज़्यादा था, बचपन से ही बहुत ज़्यादा शौक था, मतलब कि मुझे आर्मी में जाने का शौक था कि मैं आर्मी में जाऊँ और फिर मुझे लोग सपोर्ट करें, मतलब कि मुझे पहले ही से बहुत शौक था पुलिस में जाऊँ या तो फिर आर्मी में, ज़्यादा आर्मी का था। पर मुझे मेरी एजुकेशन की वजह से मैं नहीं जा सकती थी। ये सारा सब कुछ मैं अकेले करती हूँ यहाँ पे, माशाल्लाह अभी आपने रश देखा नहीं है, वैसे माशाल्लाह बहुत रश होता है, सारा काम मुझे खुद करना पड़ता है। वाली साहब सिर्फ पीछे बैठे हुए होते हैं, उनकी तबीयत सही नहीं होती, वो पीछे होते हैं, वालदा आ जाती हैं कभी, बाबा के साथ बैठी हुई होती हैं, मतलब कि वो बैठी नहीं होती, कुछ करती नहीं, काम नहीं करवाती हूँ उनसे मैं, बस बैठा देती कि बैठ जाए सपोर्ट के लिए, बस सारा काम ये सब कुछ मुझे ही दे। मैं उनकी बातों को दिल पर नहीं लेती, मैं बोलती हूँ वो मेरे घर का पूरा नहीं कर रहे, वो मेरे घर पर डालेंगे नहीं राशन, या मेरे घर पर सपोर्ट नहीं कर रहे, तो मुझे उन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ अपने काम में मसरूफ़ होती हूँ। और अगर मतलब कि 100% लोग मुझे कि बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करें, जो 1% है वो तंग करें, तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन लोगों से। मुझे कोई नहीं, मैं अपने आप को कभी लड़की समझती ही नहीं। जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ, मेरे बाबा ने मुझे बचपन से कहा है कि मेरा बेटा है ये, मुझे बोलते हैं कि मेरा बेटा, और मैं अपने आप को लड़की समझती हूँ, मैं सोचती हूँ कि मैं भी एक लड़का हूँ, मुझे कोई इनसे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं समझती हूँ मैं लड़की नहीं हूँ, मैं भी एक लड़का ही हूँ।